आइए जानते हैं आज दिन की टॉप 10 बड़ी खबरों के बारे में। यूक्रेन से जंग के 1900 दिन रूस ने चीन से मांगी मदद, सैन्य और आर्थिक सहायता भेजने को कहा चीन ने। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने पर इमरान ने कहा कि बेहद मुझे खेद है, मैं भी इसका जवाब दे सका था लेकिन मैंने संयम रखा। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में किसानों की बैठक आज, उससे पहले संगठन में पड़ी फूट, 11 ने किया किनारा। रशिया यूक्रेन वार में चीन को अमेरिका की धमकी, रूस की मदद की तो सख्त कार्रवाई करेंगे, NSA सुलिवन आज चीनी नेता से करेंगे मुलाकात। द कश्मीर फाइल्स की मूवी आ गई है। द कश्मीर फाइल्स की कमाई ने रविवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सिर्फ एक दिन की कमाई ने वसूल ली पूरी फिल्म की लागत। यूक्रेन रशिया वार जो है, आपको बता दें कि जेलेंस्की की नाटो से अपील, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। एंटनी ब्लिंकेन ने की रूसी मिसाइल हमले की निंदा। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से की मुलाकात, सरकार की गठन को लेकर दोनों में हुई चर्चा। पेट्रोल डीजल की प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो तेल कंपनियां ने जारी की पेट्रोल डीजल के दाम। दोस्तों, दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपये है जबकि डीजल का दाम 86.67 रुपये, वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 109.98 रुपये, वहीं डीजल के दाम 94.14 रुपये प्रति लीटर की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के अजो कमांड सेंटर पर बरसाए गए बम, सैन्य हथियारों को भी उड़ाया गया। और आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो दूसरा टेस्ट था उसमें भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, जीत से 9 कदम सिर्फ दूर है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद।